में अचानक गैस के रिसाव हो जाने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। वाकया कल शाम को बताया जा रहा है, जब मटकरी कॉलोनी स्थित आइस फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस लीक होने लगी, जिसके चलते लोगों को सांस लेने की शिकायत शुरू हो गई। वहीं आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। बता दें कि कुछ समय पूर्व इसी तरह का एक वाकया घटित हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी आइस फैक्ट्री संचालकों ने किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया। मेरे को तो क्या थोड़ी सी है ना अमोनिया गैस की सी बदबू लगी थी, तो पूर्व में भी दो तीन प्रकरण हो चुके हैं, दो तीन बार लीक हो चुकी है गैस, तो इस कारण हमें तो समझ में आ गई थी कि शायद गैस लीकेज है। तो आपने क्या किया? तो हम तो घर छोड़ के फिर आप लोग भी खुले मैदान की तरफ निकल गए थे। आपने कोई पुलिस वगैरह? नहीं, पूर्व में कर चुके थे पुलिस में कंप्लेंट लोग, 100 डायल को फोन कर चुके थे। यहाँ पे अभी बंद हो गई? हाँ, गैस बंद हो गई। कितना टाइम हुआ गैस निकलते हुए? लगभग एक घंटे के आसपास गैस लीक हुई। कल क्या ट्रायल बतौर मशीन चलाई थी और लगभग 4 बजे हमने चालू की थी मशीन, 8 बजे तक मैं रहा यहाँ पे, फिर 8 बजे मैं खाना खाने चला गया और 8:20 पर मैं आ गया था। तो रास्ते में जब मैं नई सड़क पर था सरदार माला बैंड के आसपास, तब पड़ोसी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा आपके यहाँ शायद लीक हो रही है। तो वहाँ से आने मुझे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, मैं आया, मैंने बंद कर ली गैस, उसी समय बंद हो गई। यहाँ पे पुलिस भी आई थी, TI साहब भी आए थे। करीबन कितनी देर तक गैस? लगभग 10-12 मिनट बस। अच्छा, तो इसमें मतलब कोई किसी को नहीं, किसी को हानि नहीं, थोड़ी क्या आँखों में जलन हुई लोगों की, तो इसलिए उनने भी फ़ोन किया। ये नुकसान पहुँचाती है? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो भी अभी आपकी तो फैक्ट्री अभी तो बंद है, फैक्ट्री कारण बंद है। हाँ, सर्दियों में टोटल बंद कर देते हैं। तो जो सीजन आने वाला है चक्कर में आप? हाँ, हर वर्ष चालू करते हैं हम फरवरी मार्च में। तो अब सीजन आने वाला, तैयारी चल रही है। हाँ, इसलिए ट्रायल करा होगा आपने? ट्रायल किया था कल मैंने। कौन सी गैस होती है इसमें? अमोनिया होती है।